ब्रेक के बाद ब्रेकिंग के साथ लौटे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक। देखिए बड़ी खबर, विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन, आज सत्र की कार्रवाई चल रही है। विधानसभा में पेश होगा अविश्वास प्रस्ताव, इसीलिए कहा जा रहा है कि आज सरकार की अग्नि परीक्षा है। सरकार के खिलाफ पेश होगा अविश्वास प्रस्ताव। कांग्रेस लेकर आई है यह अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में। कांग्रेस अब यह अविश्वास प्रस्ताव लेकर जो आई है, इस पर थोड़ी देर बाद हम चर्चा देखेंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद वोटिंग होगी। सभी विधायकों को पार्टियों की ओर से व्हिप जारी कर दिए गए हैं। बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस ने जारी की है व्हिप। आइए इस बड़ी खबर के बाद बिना देरी किए सीधे ले चलते हैं सदन की कार्यवाही की तरफ। काम किया है, हमने जाके देखा है किस तरह की समस्याएं हैं, और हमें पहली बार पता चला कि वैसे ही एक जिले का इतना नाम कर रखा था कि भाई यहाँ काम हो गए, यहाँ काम हो गए। लोगों ने बताया कि इस बड़ौदा हलके के अंदर बहुत हालत खराब थी, तो उसका अब जब हम हैं हम अपने काम करके दिखाएंगे, जल भराव की समस्या का समाधान करेंगे और इसका पानी निकलवा के। आप मंत्री जी अश्योर करो कि कब तक शुरू कर देंगे इनका काम। नहीं, हमने कर दिया सभी कर। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हमने काम हमारे सदस्य के कहने से पहले कर दिया, पानी निकाल भी दिया। गेहूं 15-20 साल के बाद पहली बार इस क्षेत्र में गेहूं की फसल बोई गई है। स्पीकर सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक मिनट स्पीकर सर, इलेक्शन के टाइम में सरकार ने टेम्परेरी प्रावधान किए। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया गया, बड़ी खबर पहुंचा रहे। सदन पटल पर रखा गया अविश्वास प्रस्ताव। आज बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय विधायकों की जो तीन इंजन की सरकार है, इसकी अग्नि परीक्षा। पेश हो गया है अविश्वास प्रस्ताव। कांग्रेस लेकर आई है यह अविश्वास प्रस्ताव। कांग्रेस का कहना है कि सबका चेहरा साफ रहना चाहिए आवाम के सामने, या तो विधायक सरकार के खिलाफ वोट करें या किसानों के खिलाफ चले जाएं। बाहर किसानों के साथ और भीतर सरकार के साथ ये नहीं चलेगा। तो सड़क से सदन तक जो प्रदर्शन था, आज उसको अंजाम तक पहुंचाने की कवायद में कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया। सदन पटल पर रख दिया गया है अविश्वास प्रस्ताव। अग्नि परीक्षा आज सरकार के लिए, विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश। लेकिन आपको यहाँ पर यह बता दें कि अगर सरकार नहीं गिरती है, सरकार के पक्ष में वोट हो जाते हैं, तो अगले 6 महीने तक चाहकर भी विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर नहीं आ पाएगा। ये कायदे हैं, ये नियम है। अगले 6 महीने तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ पाएगा अगर सरकार बच गई, नहीं गिरी। फिलहाल बीजेपी अपनी सरकार को लेकर, तीन इंजन की सरकार को लेकर पूर्णतया आश्वस्त है कि सरकार को कुछ नहीं होने वाला। बड़ी खबर, विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया गया है। सदन के पटल पर अविश्वास प्रस्ताव रख दिया गया है। सदन पटल पर रखा गया अविश्वास प्रस्ताव, आज सरकार की अग्नि परीक्षा। कुछ ही देर में अविश्वास प्रस्ताव पर आप चर्चा देखेंगे। रिमोट को साइड में रख दीजिए और देखते रहिए हरियाणा न्यूज। ऐसा है कि आप बीएसी आफताब जी बैठे हैं, आफताब जी उस दिन बैठक के अंदर थे, बीएसी की मीटिंग के अंदर ये 2 घंटे का समय निर्धारित किया था। अब मैं श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करता हूं कि अपना अविश्वास का प्रस्ताव पढ़े। अध्यक्ष महोदय, मेरे को बाकी आगे कागज दो। मैं अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इसकी चर्चा करूं उससे पहले दिल्ली बॉर्डर पे 250 किसान जो शहीद हो चुके हैं। मेरा ये कहना है कि पहले आप प्रस्ताव जो है पढ़ दीजिए, जो आपने प्रस्ताव रखा है। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हम श्री मनोहर लाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले हरियाणा मंत्रिमंडल में अपना अविश्वास व्यक्त करते हैं। अब प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हम श्री मनोहर लाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले हरियाणा मंत्रिमंडल में अपना अविश्वास व्यक्त करते हैं। अब आप अविश्वास प्रस्ताव पर बोलना शुरू करें। अध्यक्ष महोदय, अविश्वास प्रस्ताव पे पहले मैं बोलना शुरू करूं, उससे पहले
दिल्ली के बॉर्डर पे मिनट बता दो, 250 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। वो कौन है किसान? उनके भाई, उनके बाप हमारी सीमाओं पर रक्षा करते हुए शहीद हुए और वो वहां पर शहीद हुए, उनके लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप, मैंने शोक प्रस्ताव में ये रखा था, लेकिन मैंने अखबार में ये पढ़ा कि आपने उनके नाम नहीं डाले, हालांकि सबके नाम मैंने टेबल किए थे। एक तो मेरा आपसे आग्रह है, उन शहीदों का नाम इंक्लूड किया जाए उसमें सबको। और संवेदनहीनता का तो आपके सामने है, यहां इनके मंत्रियों के ऐसे बयान आए हैं, कोई कह रहा है ये तो कुदरती मर गए, कोई कह रहा है पाकिस्तानी है, कोई कह रहा है चीनी है, कोई कह रहा है पाकिस्तानी है, और कोई कह रहा है खालिस्तानी है, कोई कह रहा है आतंकवाद है। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि केवल वो तो पंजाब के। तो एक बात मैं पूछता हूं कि केवल पंजाब के? कल महिला दिवस की बात हुई, महिला दिवस में बात हुई, मुख्यमंत्री जी ने कहा, अरे वो महिलाएं नहीं है क्या जिनकी, जो हमारी बहन बेटियां वहां बैठी हैं, जिनके शौचालय भी, बिजली के कनेक्शन भी काट दिए गए, उससे ज्यादा क्या शर्म की बात है? इस किस्म के बयान आए हैं। मान्यवर, ये जो सरकार है ये बहुमत की सरकार नहीं, उन 2019 में बहुमत नहीं मिला था भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन एक और पार्टी जो है उसकी बैसाखियों पे सरकार बनी। कौन सी पार्टी बनी? जो क्या कह के आए, क्या वायदे किए, क्या मैनिफेस्टो उन्होंने किए, ये आपके सामने है, मैं उसकी चर्चा करूंगा। वो पार्टी जो इनको जमुना पार करने की बात कह रही थी, आज यार बन रही है, 1.75 पार करने की बात कह रही थी, 1 जमुना पार करने की बात कह रही थी, आज दोनों कुर्सी के लालच में सहयोगी बने हैं आपके सामने। मैं उप मुख्यमंत्री जी कल बोल रहे थे दुष्यंत जी, तो उन्होंने एक बात कही, मैं बड़ा हैरान हुआ इनकी बात से। इन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल कहते थे किसानों को समझाया नहीं जा सकता, बकाया जा सकता है। वो मेरे बुजुर्ग थे, बेशक हम राजनीतिक विरोधी रहे, कभी हमने ऐसी बात नहीं कही। क्या आप उन्हीं के उसमें चल रहे हैं? जितना बहकाने का काम किया है जो आपके मैनिफेस्टो में आया है, सब बहकाने उन्हीं के पच्चीनों पर चल रहे हैं क्या? मैं आपके इंसाफ पूछना चाहता हूं, उन्हीं का पालन कर रहे हैं? ये सरकार लोगों का विश्वास खो चुकी है, पूर्ण रूप से खो चुकी है। जब ये गांव में हलकों में नहीं जा सकते, और हेलीकॉप्टर लेके कोई कैमरा में जाता है, वहां हेलीकॉप्टर लैंड नहीं किया जाता, कोई हेलीकॉप्टर लेके चौटाला में जाता है ना, उचाना में जाता है, वहां हेलीकॉप्टर नहीं किया जाता, तो आज का हरियाणा की सरकार की क्या स्थिति है? इतिहास आपने पढ़ा होगा अध्यक्ष महोदय, इसकी तुलना मुगल का जो आखिरी शासक था शाह आलम की सरकारों से किया जा रहा है। सल्तने शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, मतलब दिल्ली से पालम तक ही जा सकते थे वो, वैसे शाह आलम थे। तो आज सरकार जो सरकार की स्थिति है, सरकार मनोहर का सिलसिला अज चंडीगढ़ तक पंचकुला, मतलब 26 तारीख को झंडा फहराने पानीपत नहीं जा सके, वो पंचकुला जाके फहराया। ये स्थिति आज सरकार की है। अरे रोम जल रहा है और निरुपासी बंसरी बजा रहा है, ये स्थिति आपके सामने है। देखिए प्रजातंत्र में वाद विवाद, संवाद, समाधान, ये तरीके होते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम एक प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए, आपने उसको रिजेक्ट किया, मैं पूरा सम्मान करता हूं आपका, आपने उसको रिजेक्ट किया, किस बात के लिए? कि ये कृषि कानून का जिक्र किया है, ये केंद्र का विषय है और इनका स्टे हुआ है, आपके एम्स ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है, ये लिखा है। लेकिन जो बिल का बॉडी जो है उसमें वो देवर नॉट पार्ट ऑफ बिल बॉडी। बिल बॉडी में क्या था? बॉडी में एक ही था जो MSP, ये भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, यही था कि MSP से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे तो या कोई खरीदे, APMC में अमेंडमेंट लाना था, उसको सजा का प्रावधान हो, यही तो थी MSP की। आपके बहुत सारे साथियों ने कल ये कहा, इनके JJP के विधायक ने कहा कि MSP होना चाहिए। प्राइवेट मेंबर हम लेके आए थे आपके सामने,
देखिए अध्यक्ष महोदय, मैं जो है आज कृषि कानूनों की बात नहीं करूंगा, क्योंकि उनकी बात करते ही तो ये कहेंगे तो सेंट्रल एक्ट है। ठीक बात है, सेंट्रल एक्ट में बात नहीं करूंगा। हालांकि एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में था, अब बदल गया एग्रीकल्चर की डेफिनेशन, उस बात के चर्चा में मिल जाता है। लेकिन तकलीफ मेरे को किस बात की है, आज हरियाणा का किसान क्यों बैठा है, आज क्यों सबसे ज्यादा तकलीफ में, क्यों बहन बेटियां वहां बैठी हैं। ये किसान अकेले हरियाणा से नहीं है, पूरे देश के किसान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब से आके दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हैं, लेकिन किसी ने रास्ते में रोकने का काम नहीं किया। इस सरकार ने, हरियाणा सरकार ने सर्दियों में वाटर कैनन, पीपली में लाठी चार्ज, आंसू गैस, जो सड़क बनाने का काम करते हैं, सड़क खोदी गई, ये केवल हरियाणा सरकार के सिवाय किसी ने नहीं किया। इस वास्ते आज इस सरकार जो है बिल्कुल लोगों का विश्वास खो चुकी है। मतलब पुलिस को बांस की लाठियों की जगह लोहे की लाठियां दी गई। इनको ये समझना चाहिए, किसान का सर फालूद का बना हुआ है, लोहे की लाठियों से नहीं फूट सकता है इस किसान का सर। ये मैं आज सवाल ये है, किसान क्यों बैठा है? क्योंकि इन्हीं के वायदे की बात पे, इनके मैनिफेस्टो आप उठा के देखें, इन ऑर्डर पर एमएसपी का वायदा, जेजेपी के मैनिफेस्टो में यह है न्यूनतम समर्थन मूल्य की पर फसल खरीदने का मूल्य कानून बनाया जाएगा और फसल की खरीद पर 10% या 100 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ना कानून बना, ना 10% मिला, ना 100 रुपए बोनस मिला। बीजेपी का है, 2014 में कहा किसानों की फसलों का दाम 50% मुनाफे के साथ दिए जाएंगे। फिर कहा 2019 में हर फसल की खरीद न्यूनतम समर्थन पर खरीद सुनिश्चित की जाएगी। अब कह रहे हैं ये करते हैं, और ये कहा दुगनी आमदनी होगी। दुगनी आमदनी कैसे होगी, ये मैं समझना चाहता हूं। बहुत सारे कल हमारे मंत्री जी भी कह रहे थे कि आज ये मेरे पास आपका रिकॉर्ड है, आपका दिया हुआ पैडी की बात 2014-15 की लेता हूं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी निकाली गई, 1886 रुपए, और आपका स्टेट ने कितना रिकमेंड किया, 2000 रुपए प्रति क्विंटल, और सीसीपीए कितने मिला, उन्होंने कितना रिकमेंड किया, 1360, एमएसपी कितना मिला, 1360। लागत बढ़ रही है, इसी प्रकार से 2015-16 में लागत 1886 से बढ़कर 1994 हो गई, और आपने 2193 रिकमेंड किया एमएसपी, लेकिन मिला आपको 1410। मतलब किसान अपनी लागत पूरी नहीं कर पा रहा है। इसी प्रकार से 17-18 में 2657 रुपए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुई, और आपने रिकमेंड किया स्टेट ने 2860, और कितना मिला, 1550। इसी प्रकार से 19-20 में 2677 लागत आ गई, और आपने रिकमेंड किया 2650 या 2750 के बीच में कीमत दी जाए किसान को, लेकिन मिला कितना, 1815। इसी प्रकार से 2020-21 में लागत आ गई 2482, आपकी निकाली हुई है, हमारी नहीं निकाली हुई है लागत, और आपने रिकमेंड कितना किया, 2730 प्रति क्विंटल, और मिला कितना, 1868। इसी प्रकार से और सभी फसलों का है, लेकिन मैं मुख्य तौर पे दो ही फसलों की बात कहता हूं, गेहूं की बात लगाएं 15-16 में, 14-15 में लागत आई 1983-43, और रिकमेंड किया आपने 2000, मिला कितना, 1450। फिर लागत बढ़ गई 2015 में 1974, और आपने रिकमेंड किया 2172, मिला कितना, 1525, और 17-18 में लागत आई 2050,
और आपने रिकमेंड किया 2469, मिला कितना 1785, 1920 में 2021 लागत आई 2250, आपने रिकमेंड किया मिला कितना 1925, इसी प्रकार से 2021 में 2083 लागत आई और आपने कितना रिकमेंड किया 2290 और मिला कितना 1975। तो कैसे दुगनी आमदनी, फर्टिलाइजर पे 5% टैक्स, पेस्टिसाइड्स पे मैं आपको ट्वेंटी तक का टैक्स बढ़ा है, दुगनी दुगनी कीमत हो गई, लागत बढ़ गई, डीजल कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन आमदनी नहीं बढ़ी किसान की, कैसे करेगा दुनिया, यह आपका वायदा था। और इनका न्यूनतम मूल्य पर फसल खरीद का काम कांग्रेस का वायदा। इसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि कल बहुत सारी बातें राज्यपाल अभिभाषण में यहां उठी, वो अभिभाषण तो क्या सबको मालूम है कि राज्यपाल क्या कहते हैं, राज्यपाल वही कहते हैं जो सरकार कहती है, हम भी सरकार में रहे हैं, राज्यपाल का क्या है, राज्यपाल के अभिभाषण में अपनी उपलब्धियां और दिशा निर्देश दिखाया जाता है। पिछले साल का राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ो और इस साल का पढ़ लो, कोई उपलब्धि नहीं, सिर्फ जो है आपके जो इसमें निराशाजनक प्रशंसा पत्र कह सकता हूं और कुछ नहीं उसमें, तो आपके सामने कहा। फिर कल बेरोजगारी का बड़ा जोर शोर से बेरोजगारी का मुद्दा उठा और उसमें कहा गया कि सीएमईआई तो किसी प्राइवेट उस संस्था की है जिसने कहा कि आज हरियाणा बेरोजगारी में सबसे ऊपर है। ये मैं अकेला नहीं कह रहा, ये तो 5 सितंबर की है दुष्यंत जी की, 5 सितंबर 2019 का दुष्यंत जी का है शर्मनाक आंकड़े, बेरोजगारी के मामले हरियाणा देश में सबसे आगे नंबर एक पर पहुंचा, मुख्यमंत्री खट्टर एक और तो हरियाणा की नौकरियां हरियाणा से बाहर वालों को दे रहे हैं और दूसरी ओर हरियाणा में बेरोजगारी का आंकड़ा देश में सबसे ऊंची दर 28.7। और आपने कहा एनएसएस का 7% का, वो भी मेरे पास आंकड़े 2011-12 में कितना था 2.8 और आपके समय में 17-18 में कितना है 8.6। बेरोजगारी किस तेजी से बढ़ रही, नहीं नहीं मतलब आपकी कही, आपने कहा भाई ना एनएसएस की मानो ना सीएमआई की मानो, इसकी तो मानोगे आप नहीं, आप ये तो मानोगे आप कि पानीपत की चपरासी की भर्ती में आप मत मानो सीएमआई की, एनएसओ की भी मत मानो कि सिर्फ 13 पदों की आपने भर्ती अनाउंस करी थी, कितने आए 14,871 एप्लीकेशन आई बेरोजगारी का देखा, और उसमें कौन कौन थे बीए बीएससी एमए बीटेक एमटेक करने वालों की बड़ी तादाद युवाओं की बेरोजगारी का ये दर्ज। इससे पहले प्रदेश सरकार ने 18,000 ग्रुप डी में भर्ती निकाली थी लेकिन उसके लिए अप्लाई करने वाले कितने थे करीब 25 लाख। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देखिए सारे अखबार भरे पड़े हैं, मैं हालांकि इसमें ज़्यादा समय आपका नहीं लूंगा। अनएम्प्लॉयमेंट इन हरियाणा इज हाईएस्ट इन द कंट्री एट 8.8 जॉबलेस, हायर इन स्टेट देन इन पंजाब एचपी एंड जेके। तो सारे उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है और बेरोजगारी की तरफ कोई ध्यान नहीं इसका सरकार का। आपका आपने वायदे किए आपने वायदा किया पहले कौन से सन में एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी में 15 में क्या वायदा किया, इन्वेस्टमेंट 1,00,000 करोड़ से ज्यादा, एम्प्लॉयमेंट 4 लाख से ज्यादा, ये आपने वायदा किया, हुआ क्या, इन्वेस्टमेंट कितनी आई 24,000 करोड़। ये तो आरटीआई का है फैसला, आरटीआई के हैं, मैं नहीं अपनी मेरा कोई आंकड़ा नहीं है इसमें, तो आप निश्चिंत रहो जो मैं कह रहा हूँ, आप कुछ निकालो, मैं तो आरटीआई से लिए निकाला हूँ। और एम्प्लॉयमेंट कितनी मिली 32
35,030 को, ठीक है, फिर ईपीपी 20 आ गया, अब ये आपने फिर दे दिया, ये दे दिया ईपीपी 20, उसमें क्या किया, एम्प्लॉयमेंट 5,00,000 की, इन्वेस्टमेंट 1,00,00,000। तो मेरा आपसे ये कहना है, साथ में समेट ले जाओ अपने झूठे वायदों को, अगले चुनाव में भी तुम्हें फिर इनकी जरूरत पड़ेगी, ले जाओ, क्योंकि हर बार ये आप वायदे करोगे, साथ ले जाओ। फिर आप देखते हैं जनाब, बहुत जोर शोर से राज्यपाल जी का धन्यवाद करके आए, किस बात के लिए, कि भाई 75% जो है प्राइवेट कंपनीज में हमने एक एक्ट पास कर दिया, सबसे पहला जेजेपी का मैनिफेस्टो। मैं कुछ नहीं कहूंगा अपनी तरफ से, क्या लिखा उसमें, रोजगार मेरा अधिकार कानून लागू किया जाएगा, जिसमें 75% नौकरी हरियाणा के युवाओं को आरक्षित होगी, कहीं प्राइवेट कंपनी का जिक्र नहीं है, सिर्फ हरियाणा में जितने हैं, चाहे सरकारी है चाहे प्राइवेट है, उसका वायदा था। ये मैं सैद्धांतिक तौर पे इसका विरोध नहीं करता हूं, फिर ये आपने देखना चाहिए था ना, ये वायदा करने से पहले करना चाहिए था ना, ये वायदा, वो बहकाने वाले काम मत करो ना भाई, वायदा मैंने तो नहीं लिखा, ये मैं लिखता जरूर, आपका लिखा हुआ है, या तो आप ये करो, मेरा मैनिफेस्टो नहीं था ये, या मैनिफेस्टो में नहीं लिखा, मैं बैठ जाता हूं, मैं चलो है, लेकिन मैं सिद्धांतिक तौर पे इसका विरोध नहीं करता हूं, 75% कंपनियों में कहा आपने, लेकिन होगा क्या, आपने मिले हुए ये आपने जो है रेजिडेंट कंडीशन जो है 5 साल की कर दी, 15 साल से, और फिर आप कह रहे हो ये लागू नहीं होगा एससी बीसी पर, अरे ये कैसा हो सकता है, मेरे को एक स्टेट बता दो जहां दो किस्म के रेजिडेंट हो, दो किस्म के डोमिसाइल हो, इसमें लिखा हुआ है डोमिसाइल जो आपने जो एक्ट बनाया है इसमें, कि दो डोमिसाइल पे होगा, और ये लिख क्या रहे हैं सारे अखबार, अध्यक्ष महोदय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं, मैं ज्यादा आपका समय नहीं लेना चाहता कि बहुत कह चुके, सारे अखबारों में कटिया आ गया, आप देखें विल सीक, अब ये कह रहे हैं कि हम विल सीक इंडस्ट्री बॉडीज सजेशन फॉर 75%, जब आपने एक्ट बना दिया फिर किस चीज की आप सजेशन दे रहे हैं मेरे को बताओ, फिर हरियाणा 75% कोटा विल स्पेल द डिजास्टर इंडस्ट्री, FICC कह रही है, फिर अलार्मिंग डिक्टेट हिंदू अखबार कह रहा है, बैड जॉब इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है, हरियाणा मैं सैद्धांतिक रूप से खिलाफ नहीं हूं उसके, लेकिन जो 15 से 5 किया है ना उसके खिलाफ हूं मैं, और 75% सब में करो, हरियाणा में निजी नौकरियों में आरक्षण समझ से परे, निर्मला जी कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी पार्टी वाले कह रहे हैं, इस हरियाणा एक्ट लीगल, ये आपके सामने है, क्योंकि प्रमाण पत्र में जो आपने फेरबदल की, और कल ये कहा आपने, एक तरफ तो सरकार 75% की रिजर्वेशन की बात करती है, एक तरफ रेजिडेंट का जो है 5 करता है, ये किसने सलाह दी, कहां से आया ये, क्या इसका मकसद है, क्या इसका डेमोग्राफी चेंज करने का मतलब है हरियाणा के, या जो मूल हरियाणवी हैं उनके हक पर कुठाराघात मारने का है, या जो शेड्यूल कास्ट है, बैकवर्ड क्लास है, एक्स सर्विस मैन है, स्पोर्ट्स पर्सन है जिनका कोटा है, उनको ज्यादा कॉम्पिटिटिव उसमें डालने का वो है, ये बहुत गलत काम है, ये इसमें नहीं है प्रदेश के हित में, इसको 15 करो। आप महाराष्ट्र का जिक्र करा आपने, महाराष्ट्र में 15 साल है डोमिसाइल की, आप कह रहे डोमिसाइल कहीं हो, किसी भी प्रदेश में दिखा दो दो डोमिसाइल बने हो, कानून व्यवस्था की बात लो अध्यक्ष महोदय, कानून व्यवस्था जो है अपराध के आंकड़े, आपने कहा 19 में कम हो गए कोरोना में, लेकिन क्राइम रिकॉर्ड का डाटा जो है मुताबिक 19 में 1066 हत्याएं हुई,
1653 रेप हुए, 193 गैंग रेप हुए, 1818 हत्याएं की कोशिश की गई, 3513 अपहरण हुए, 1886 बच्चों के खिलाफ अपराध हुए। यानी रोज 3 हत्याएं, 5 रेप, रोज 10 अपहरण और रोज 5 बच्चों के अपराध। और एनसीटीआरबी जो 218 के आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा में औसतन रोज 3 से 4 हत्याएं, 5 से 6 रेप, 50 वाहन चोरी, 54 चोरी, डकैती, लूट और फिरौती जैसी वारदात होती हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड एनसीआरबी में दर्ज 2018 के आंकड़ों के मुताबिक नशे के मामले में हरियाणा पंजाब से आगे निकल गया। हरियाणा में एनडीपीसीएस के 2587 मामले सामने आए, जो उत्तर भारत में सबसे ज्यादा है। साल 2018 में हरियाणा में नशीले पदार्थों से 86 मौतें हुई हैं, जबकि पंजाब में इससे कम 78 मौतें हुई हैं। इस तरह नकली शराब पीने से 162 लोगों की मृत्यु हुई है। 2020 का आधा साल तो लॉकडाउन में गुजर गया। पूरा हरियाणा एक पुलिस स्टेट बना हुआ था, फिर भी लॉकडाउन के दौरान धड़ेले से शराब की तस्करी हुई। आज पिछले दिनों की खबरों पर नजर डालेंगे तो लगेगा सरेआम फायरिंग और हत्या रूटीन हो गई। ये देखिए, हरियाणा में 3 मर्डर 4 रेप, नहीं रहा प्रदेश का कोई भी, देख ले आप अखबार उठा के मध्य प्रदेश कहीं से देख ले, हरियाणा सीज गैंग रेप एवरी डे। बेटियों की सुरक्षा चुनौती 1774, इतनी गुण में क्राइम रिपोर्ट, सब आप कोई भी इसमें दिखा दें। और घोटालों की तो आपने लाइन लगाई हुई, घोटाले के मैं सारे डिटेल में जाता, लेकिन मैं गिरदावरी से घोटाला शुरू हुआ, गिरदावरी घोटाला, मुआवजा घोटाला, रेक्सील दवाई खरीद घोटाला, गॉल वॉल्यूम सीट घोटाला, बावल भूमि अवार्ड घोटाला, नई औद्योगिक नीति घोटाला, सरस्वती कुंज घोटाला मेंबरशिप का, धान और बाजरा खरीद घोटाला, कपास बीज व नकली कीटनाशक खरीद घोटाला, फसल बीमा घोटाला, भूमि अधिग्रहण घोटाला, मीटर खरीद घोटाला। चलिए मैं आप बोल लेना, फिर मैं बता रहा हूँ, मेरे को आदत नहीं है, ये तो आपकी अखबारों में आई, मैं पढ़ रहा हूँ। मीटर खरीद घोटाला, अवैध माइनिंग घोटाला जो आपने खुद स्वयं स्वीकार किया हुआ है, गुड़गांव मेट्रो रूट बदलाव घोटाला, हाइडल प्रोजेक्ट घोटाला, रोडवेज घोटाला जो आपने किलोमीटर स्कीम चलाई थी, एससीएस में नौकरी, आटा घोटाला, हरियाणा में सरकारी संरक्षण में वो हुआ रोडवेज फर्जी टिकट घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, मीटर खरीद घोटाला 2, शराब घोटाला, धान घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला। घोटालों की और बहुत हैं और क्या क्या, असल में मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, आपके नहीं, आपके साथ तो ये बन गई हरियाणा के लोगों में। देखो एक गांव में सांग आ गया, ले आया कोई, और वो सांगी बेसुरा था, तो वो सब बेसुरा सांग आने लग गया, तो एक बुढ़ा लाठी लेकर स्टेज के चारों तरफ घूमने लग गया, तो सांग जो गा रहा था वो डर गया, वो चुप हो गया। फटे साहब ध्यान से सुनो आप, वो डर गया, तो उसने कहा बुड्ढे ने, भाई तेरे तक कुछ नहीं कहता, मैं तो उसको तलाश कर रहा हूं जो लाया था सांग, जिसने राज बनाया था तेरा, उसको देख रहा हूं, जो सांग लाया था उसको देख रहे हैं। लोग जब तक घरों में नहीं घुसने दे रहे, जब तक गांव में नहीं बढ़ने दे रहे। अरे नहीं, बात यह है फटे साहब, मैं पिछले 5 साल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 1 साल की बात कर रहा हूं। 1 साल में ये आपके हालात तो वो हो गए। एक लोन बांटने का चल रहा था तो तहसीलदार के पेश हो गया एक आदमी कि मेरे को ट्रैक्टर चाहिए, तो नंबरदार से पूछा, भाई
बोला जी इसकी तो मौज है, इसे सब कुछ है, ट्रैक्टर खड़ा है, सब कुछ है, इसको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बोला अच्छा। उसने कहा जैसे आपने इनको कलेक्टर कर लिया ना कि भाई तंदे मेरे साथ क्यों नहीं दिया भाई। बोला अच्छा आप जब फिर कह दे, फिर दरखास्त दे दे, मैं काम कर दूंगा तेरा। तो बोला फिर दरखास्त दे दी। दरखास्त दे के जब आया एप्लीकेशन, तहसीलदार वही नंबरदार, वही दरखास्त देने वाला और वही तहसीलदार। तहसीलदार बोला हाँ भाई। बोला जी इसको कर्जा दे दो। फिर बोला एक हफ्ते तो तू पहले कह रहा था इसकी मौज हो रही है, अब तू फिर आ गया। बोला तहसीलदार साहब जिसका खड़ा नाश हुआ इसके एक हफ्ते में देखा मैंने, जिसका एक साल में तुम्हारा खड़ा नाश हो गया इस सरकार का। लोग आज जा नहीं सकते, आप जा सकते हो, आप अपने हल्कों में नहीं जा सकते, ऐसा मैंने कभी सुना नहीं था। ऐसा बताओगे क्या तो दुनिया? नहीं आज ही क्यों बताओगे, मेरे से बता नहीं, जो मैं समझता हूँ वो मैं ना पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ ना बताने की जरूरत, क्योंकि आपका बहुमत है, बहुमत के मतलब पे आप मैं सुन भी लूंगा, आप बता भी जाओगे, हाथ भी खड़े कर लोगे, लेकिन अपने हल्के में जाके दिखाओ, कोई उचाना में जाके दिखाओ, तो कोई वहां जाके दिखाओ, तो कैमरा में जाके दिखाओ, फिर मैं मान जाऊंगा अपने हल्के में जाके। ये अपनी उपलब्धि जो आपने गाई ने कहा था, ये अपने लोगों में जाके बताओ भाई हमने बहुत अच्छा काम किया है, तो मैं आपको श्रेय दूंगा, आपका वाह-वाह करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा प्रस्ताव है कि अविश्वास प्रस्ताव पास किया जाए। और जितने और विधायक है, एक और मेरा निवेदन है स्पीकर साहब, मैंने आपका बयान पढ़ा है, वो ऐसे स्पीकर साहब को देना नहीं चाहिए। क्या? कि जो विप डिफाई करेगा उसको डिसमेंबर किया जाएगा। रूल्स ठीक है, रूल्स रूल्स मैंने तो रूल्स पूछे हैं, उन्होंने रूल्स पूछे, मैंने रूल्स बताए हैं, उसको बाद में पूछेंगे ना। नहीं प्रेस वाले अगर रूल्स पूछते हैं कि विप का क्या असर है, मैंने वो बताया। मेरा सभी से निवेदन है कि आप सीक्रेट वोटिंग कराओ, सीक्रेट वोटिंग कराओ, ये सीक्रेट वोटिंग कराओ।